तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट। यहाँ इंट्रोडक्शन में कुछ विशेष है नहीं, देख लेते हैं। केवल लिखा है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एनर्जी की नीड है वो इस पर्पस से है कि उसी से क्या होगा, डेली लाइफ एक्टिविटीज होंगी। अब चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो ब्रीदिंग हो। फिर एक क्वेश्चन दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यू मे वंडर द सेवरल क्वेश्चन रेज अबव। अंडरलाइन नहीं करेंगे। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। सभी एनर्जी रिक्वायर है जो किसके लिए, लाइफ की प्रोसेस के लिए, वो हमको मिलती है ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिनको हम क्या कहते हैं, फूड। केवल ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया है जो प्रिपेयर करेंगे अपना फूड किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस। कैसे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और किसमें कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी। और बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड में उस एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, चाहे वो ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, स्टार्च हो। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट टू नॉट ऑल सेल या टिश्यू या ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज। केवल सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट ही क्या करती हैं, जो सुपरफिशियल लेयर पर होती वही क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रीन प्लांट में जो बाकी ऑर्गन हैं या शिशु हैं वो क्या है, नॉन ग्रीन है। इसका मतलब वहां पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फूड को ट्रांसलोकेट किया जाएगा ऑल नॉन ग्रीन पार्ट। एनिमल चूंकि हेटरोट्रॉफिक होते हैं या ऑब्टेन करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन इसमें से आएगा नहीं एग्जाम में, ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सेप्रोफाइट जैसे फंजाई डिपेंडेंट ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली के बाद अंडरलाइन कर लो, ऑल द फूड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ प्रोसेस कम फ्रॉम, कहां से, फोटोसिंथेसिस। दुनिया में जितने भी फूड जिनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकाली जाएगी वो सब के सब कहां से आएंगे, फोटोसिंथेसिस से आएंगे। इस चैप्टर में हम किसको डिस्कस करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज क्या, एनर्जी, एंड ट्रैपिंग दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज क्या, एटीपी। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, वेयर एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन क्या, माइटोकांड्रिया। जब ब्रेक करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, इससे रिलीज होगा क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसी को कहोगे क्या, रेस्पिरेशन। द कंपाउंड, हाँ यहाँ से वास्तव में हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिलने शुरू हो जाए, अभी तक आया कुछ नहीं है। वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होता है किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, उस कंपाउंड को कहते क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। यूजुअली टिक कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, लेकिन प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, लेकिन सामान्यतया किसको यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन सेल ऑल द एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इन टू सेल आर इन टू सिंगल स्टेप। एक स्टेप में रिलीज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर एक स्टेप में रिलीज करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, उसको फिर ट्रैप नहीं कर पाएंगे। तो कई स्टेप में तोड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकालेंगे, थोड़ी थोड़ी ट्रैप करेंगे। इसी नाते लिखा है एनर्जी रिलीज इन ए सीरीज ऑफ क्या, स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाई एंजाइम और एंड इट इज ट्रैप्ड एज ए केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी रिलीज बाई ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज क्या डायरेक्टली, बट इट इज यूज टू सिंथेसाइज क्या एटीपी। जो पहले एनर्जी निकलेगी उससे सीधे यूज नहीं करेंगे, उससे क्या करेंगे, पहले एटीपी बनाएंगे फिर बाद में यूज करेंगे। विच इज ब्रोकन डाउन व्हेनेवर एनर्जी नीड टू बी यूटिलाइज। एटीपी एक्ट एज क्या, एनर्जी करेंसी, ये अंडरलाइन कर लीजिए। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन।
इज यूज्ड एज ए प्रिकर्सर फॉर क्या, बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो अभी तक बेसिकली कोई सवाल नहीं मिला है, और यहाँ पर भी कोई बेसिक सवाल है नहीं। डू प्लांट ब्रीथ, क्या पौधे भी सांस लेते हैं? क्योंकि हाँ पौधे भी सांस लेते हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन है। Well, the answer to this question is not quite so direct. Yes, plant require O2 for respiration to occur and they also give out क्या CO2। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि प्लांट CO2 लेते हैं, O2 देते हैं, ये आधा सत्य है। पूरा सत्य ये है कि O2 भी लेते हैं, CO2 भी निकालते हैं। प्लांट हैव सिस्टम टू टेक प्लेस इंश्योर दैट क्या अवेलेबिलिटी ऑफ O2। प्लांट अनलाइक एनिमल, इनमें कोई भी स्पेशल आर्गन नहीं पाया जाता है, किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, लेकिन इनमें होते हैं स्टोमेटा और होते हैं लेंटिसेल फॉर ब्रीदिंग। देयर आर सेवरल रीजन व्हाई प्लांट आर गेट अलोन विदाउट, बिना रेस्पिरेटरी आर्गन के कैसे रह लेते हैं। तो पहला कारण है कि प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज, मतलब प्लांट के हिस्से अपने गैसेस एक्सचेंज की अपनी जिम्मेदारी। हमारे शरीर में क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जिम्मेदारी है कि सबको O2 सप्लाई करो। प्लांट में ऐसा नहीं है कि हाँ कोई एक सबको सप्लाई करे, सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था रखेंगे। बहुत कम लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है। दूसरा, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड, प्लांट के पास O2 की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होती है। रूट स्टेम एंड लीफ रेस्पिरेट रेट फार स्लोअर देन एनिमल, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सचेंज, लीफ वेल एडेप्टेड होती है केयर ऑफ इट्स ओन नीड, व्हेन सेल फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि O2 बन ही रही है सिंस O2 इज रिलीज विद इन द सेल। थर्ड, कुछ भी सवाल अभी नहीं मिले, सवाल जहां मिलेंगे बताएंगे। थर्ड, डिस्टेंस दैट गैस मस्ट डिफ्यूज इवन इज लार्ज, बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट, बहुत ज्यादा दूर ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। ईच लिविंग सेल इन ए प्लांट सेल, जो लिविंग सेल है वो कहाँ लोकेटेड है। ईच लिविंग सेल इन ए प्लांट इज क्वाइट क्लोज टू द क्या सरफेस, तो जब सरफेस पर होंगे तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर लीफ यू मे आस्क, बट व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम एंड रूट। इन स्टेम लिविंग सेल आर अरेंज इन थिन लेयर इन साइड एंड बीनीथ द बार्क, दे ऑल्सो हैव ओपनिंग, इसका नाम क्या है लेंटिसेल। इन द सेल्स इन द इंटीरियर आर क्या होती है, जो अंदर होती है वो डेड होती हैं और वहाँ केवल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ सेल ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट अ पेयर पार्ट ऑफ देयर सरफेस कॉन्टेक्ट, कोई ना कोई हिस्सा उसका सरफेस के कॉन्टेक्ट में होता है और वहाँ लूज पैकेजिंग ऑफ पैरेन्काइमा होता है, इस नाते वहाँ किसी न किसी तरीके से एयर स्पेस से इंटरकनेक्टेड रहेंगे और O2 मिलती रहेगी। तो यहाँ तक भी अभी कोई क्वेश्चन मिला नहीं है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस जगह से, कंप्लीट कंबसन करना है ग्लूकोज का जिससे प्रोड्यूस होगा CO2 और क्या वाटर और एनर्जी निकलेगी। तो ये हो गया ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में 6 ऑक्सीजन लगेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 6 वाटर बनेंगे और ढेर सारी क्या होगी एनर्जी निकलेगी, रिएक्शन नहीं भूलेंगे। इफ दिस एनर्जी इज यूजफुल टू द सेल इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट्स utilize it to synthesize the other molecule that the cell require. The strategy that plant cell use it to catabolize the glucose molecule in such a way that not all liberated energy go out. जाए अगर एक साथ तोड़ देंगे तो बहुत सारी energy heat के form में waste हो जाएगी, इसी नाते the key is to oxidize glucose, यहाँ से underline करो, oxidize glucose not in a single step but in a several small step। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा होगा कि जो एनर्जी रिलीज होगी उससे क्या बना लेंगे, ATP बना लेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज, द कंबसन रिएक्शन रिक्वायर क्या ऑक्सीजन, बट सम सेल लाइव वेयर ऑक्सीजन मे आर मे नॉट अवेलेबल, कैन यू थिंक सिचुएशन। तो बहुत सारे एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लेनेट, ये अंडरलाइन कर लो बेटा, फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लेनेट लाइव इन एटमॉस्फेयर दैट लैक क्या ऑक्सीजन, पहली सेल जो धरती पर आई वो एनएरोबिक थी, तो ये पॉइंट टिक कर लीजिए। इवन अमंग द प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म
वी नोन सेवरल दैट एडाप्टेड टू एनएरोबिक कंडीशन। दुनिया में कुछ अभी भी है जो एनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करेंगे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनएरोब। अब ये कौन से होते हैं? तो फैकल्टेटिव एनएरोब वो होते हैं जो वास्तव में एरोबिक होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है तो वो एनएरोबिक हो जाते हैं। Some of these organisms are facultative anaerobic, while in other requirement of anaerobic condition is obligate. देखो ये क्या लिखा है, दो प्रकार के anaerobic लोग होते हैं, एक होते हैं obligate anaerobic, एक होते हैं facultative anaerobic। अंतर समझ लो। Obligate anaerobic वो होते हैं जो anaerobic थे, anaerobic हैं, anaerobic ही रहेंगे, ठीक है? मतलब ऑक्सीजन हो चाहे ना हो वो रहेंगे क्या, anaerobic ही। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि एनएरोबिक हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक हैं, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन मिली वैसे क्या हो गए, एरोबिक हो गए। ऐसे एनएरोबिक जो मौका पड़ने पर एरोबिक हो जाते हैं उनको फैकल्टेटिव एनएरोब कहते हैं, ठीक है? तो एनएरोब दो प्रकार के होते हैं, फैकल्टेटिव एनएरोब और ऑब्लिगेट एनएरोब। ऑब्लिगेट कौन से, जो एनएरोबिक थे और एनएरोबिक हैं, और फैकल्टेटिव वो जो एनएरोबिक हैं लेकिन थे नहीं और न रहेंगे, मौका पड़ते क्या हो जाएंगे, एरोबिक हो जाएंगे। इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मैकेनिज्म टू पार्शियली ऑक्सीडेज ग्लूकोज विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और इसको कहते हैं ग्लूकोज को बारीक एसिड में तोड़ना। ये है क्या, यहाँ जो आल लिखा है बहुत काम की बात लिखी है, अंडरलाइन कर लो। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या मिलेगा हमको, ग्लाइकोलिसिस, चाहे एरोबिक हो और चाहे एनएरोबिक हो, दोनों में क्या देखने को मिलेगा, तो दोनों में हमको क्या देखने को मिलेगा, ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगी। हकीकत में तो चैप्टर अब स्टार्ट होता है, ठीक है? इसके पहले की तो कहानी ही है, केवल बस ये दो लाइनें इनको यहां लिख देनी चाहिए थी, ये ग्लाइकोलिसिस वाली दो लाइन यहां लिख देते तो ठीक रहता। चलो हेडिंग है ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस में जो लिखा है उसको हम लोग पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो वैसे तो 10 स्टेप में रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ 9 स्टेप दिए तो कम से कम 9 ही आप याद रखोगे, और स्टेप में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। याद रखने का क्वेश्चन, चूंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, भले ही आपको सारे स्टेप याद ना हो लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आंसर सही कर ले जाएंगे। जैसे अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हुआ, इसका मतलब फॉस्फेट बढ़ा है, और अगर फॉस्फेट बढ़ा है तो एटीपी लगा होगा। क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछेगा, चार ऑप्शन दिए होंगे, पूछा होगा इसमें से कहां एटीपी लगा है, एटीपी कंज्यूम कहां हुआ या एटीपी मिला कहां। तो जहां फॉस्फेट बढ़े होंगे वहां एटीपी लगा होगा, और जहां फॉस्फेट घटा होगा वहां एटीपी निकला होगा, बस सीधी सी बात। तो देखो एटीपी यहाँ खर्चा हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया, उसके बाद फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया, उसके बाद फिर देखो फ्रक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट, फिर से एक फॉस्फेट बढ़ा है तो फिर से एक एटीपी लग गए। तो दो क्वेश्चन तो यही हो गए कि दो एटीपी मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ लगे, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट। उसके बाद फिर क्या आया, ट्राइयोज फॉस्फेट बना, इसका पूरा नाम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, फिर एक NAD यूज हुआ और क्या बन गया, NADH2। ये भी याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अंतर देखिए, फोटोसिंथेसिस में P शब्द है और उसमें NADPH2 बनता है, और रेस्पिरेशन में P नहीं है, इसलिए यहाँ NADH2 बनता है। तो एक NADH2 कब बना, तो जब कहोगे जब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या बना, 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वास्तव में यहाँ से यहाँ तक आने में देखो एक फॉस्फेट भी बढ़ गया है, इसका मतलब एक स्टेप यहाँ क्या है, कम दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक, अब देखो यहाँ 2 फॉस्फेट थे, यहाँ 1 फॉस्फेट है, इसका मतलब एक फॉस्फेट कम हुआ तो क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट हो गया, फिर 2-फॉस्फोइनाल पाइरवेट हो गया, और फिर 2-पाइरवेक एसिड। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन कौन से स्टेप हैं जहां एटीपी यूज हुए,
तो एटीपी यूज में ये दो स्टेप आप याद रखोगे, एक ये याद रखोगे और कहाँ कहाँ जहाँ एटीपी रिलीज हुआ, एक ये याद रखोगे एक ये याद रखोगे। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कितने एटीपी बने और कितने एटीपी खर्चा हुए, तो देखो यहाँ से यहाँ तक दो एटीपी कंज्यूम हो गए हैं, लेकिन ये जो ट्राइओज फास्फेट है इसी के साथ एक और मॉलिक्यूल बना है, तीन कार्बन का ये है, तीन कार्बन का ये, और इसमें कितने कार्बन है, छह कार्बन है। तो छह कार्बन का मॉलिक्यूल तोड़ोगे तो तीन कार्बन का ये, तीन कार्बन का ये, इसका मतलब ये भी तो चेन चलेगी, चाहे इसे चेन चला लीजिए। इसको कहने का मतलब है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से भी तो बनेगा पार्विक एसिड, और ग्लिसरलडिहाइड 3 फास्फेट से भी पार्विक एसिड बनेगा। एक पार्विक एसिड इससे बना, एक पार्विक एसिड इससे बना, तो कितने पार्विक एसिड बनेंगे, दो पार्विक एसिड बनेंगे। तो यहाँ जितने एटीपी, एक एटीपी ये था, एक एटीपी ये था, तो अभी तो इतने से दो एटीपी मिले हैं, इस वाली चेन से भी तो दो एटीपी मिलेंगे, तो कितने हो गए, चार एटीपी हो गए। खर्चा कितने हुए, दो, बने कितने, चार, तो बेनिफिट कितने का, दो एटीपी का। कितने NADH2, एक रिएक्शन में देखो एक NADH2 है, तो दो रिएक्शन होंगे तो दो NADH2। तो स्टेप अगर सारे ना याद हो तो कम से कम इतने स्टेप तो आप याद ही रखोगे कि कब कब एटीपी खर्चा हुआ, कब कब एटीपी निकला। तो कब कब खर्चा हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, और कब कब एटीपी मिला, या पहले NADH2 निकाल दो, ग्लिसरलडिहाइड 3 फास्फेट से 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, एक NADH2 यहां मिला और एटीपी 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और फास्फोइनाल पाइरुवेट से क्या, पाइरुविक एसिड। ये आप याद रखेंगे। हाँ, एंजाइम भी दो तीन पूछे आते हैं, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट कौन सा एंजाइम लगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट कौन सा एंजाइम लगा, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट कौन सा एंजाइम लगा। तो एंजाइम दो तीन याद रखें, इसमें हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम लगता है जो आपको याद रखना है। टर्म ग्लाइकोलिसिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कौन सा, ग्लाइकोज किसके लिए, सुगर, और लिसिस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय किसके द्वारा, तो गस्टो एम्बेडन है, ओटो मेयर हाफ है, जे परनस है, इसी नाते इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, EMP पाथवे कहते हैं। ये टिक कर लीजिए, इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म यही केवल प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में, लेकिन अगर एरोबिक होगा तो एरोबिक में इसके अलावा दो प्रोसेस और मिलेंगी, क्रेब साइकिल भी मिलेगा, ETS भी मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन में कौन सी प्रोसेस होती है, तो सिर्फ किसका नाम लोगे, तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का नाम लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा एरोबिक में, तो एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस के साथ क्रेब साइकिल और ETS। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, तो ये भी याद रखेंगे, साइटोप्लाज्म में होती है, और ये पाई जाती है किसमें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस में ग्लूकोज अंडरगोज क्या, पार्शियल ऑक्सीडेशन, और जिससे बनेंगे क्या, दो मॉलिक्यूल, किसके, पाइरुविक एसिड। इन प्लांट दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम, कहां से लाओगे, सुक्रोज, कहां से लाओगे, सुक्रोज विच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या, फोटोसिंथेसिस, या कहां से लाओगे, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ग्लूकोज, एंड किसमें, फ्रक्टोज बाई एंजाइम कौन सा, इन्वर्टेज। अब लिखा है दो मोनोसैकेराइड इंटर कर सकते हैं किसमें, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। अगर ग्लूकोज से शुरू करेंगे तो जो भी लिखा सामने है, फ्रक्टोज से शुरू करेंगे तो एक ये स्टेप बच जाएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट वाला स्टेप बच जाएगा सीधे फ्रक्टोज को, फ्रक्टोज यहां से फ्रक्टोज 6 फास्फेट। एटीपी के खर्चे में कोई अंतर नहीं आएगा, एटीपी के खर्चे में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे ग्लूकोज से शुरू करो चाहे फ्रक्टोज से, बस स्टेप में एक ये स्टेप जो ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाते हो, ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फास्फोराइलेटेड, फास्फोराइलेटेड का मतलब फास्फोरस उसमें जोड़ा गया है, तो बनेगा क्या, अगर ग्लूकोज को फास्फोराइलेट करोगे तो बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, और अगर फ्रक्टोज को करोगे तो बनेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। बस एंजाइम कौन सा है,
तो एंजाइम कौन सा? हेक्सोकाइनेज। कहने का मतलब यह है कि अगर ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज ले लोगे तो सीधे ये बन जाएगा, अगर ग्लूकोज लोगे तो पहले ये बना के फिर ये बनाओगे, बस इतना फर्क आएगा। तो अगर ग्लूकोज यूज करोगे तो 10 स्टेप, फ्रक्टोज यूज करोगे तो एक स्टेप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फास्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को आइसोमराइज कर दो और बना दो क्या? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फिर उसके बाद स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। स्टेप कहाँ है? दिए हुए फिगर में। इन ग्लाइकोलिसिस कितने रिएक्शन हो रहे हैं? तो 10 रिएक्शन हो रहे हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस क्या? पाइरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। व्हाइल स्टडीइंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्लीज नोट, देखो लिखा है नोट करो, तो आप नोट जरूर कर लो क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा, दैट स्टेप एट विच यूटिलाइजेशन या सिंथेसिस ऑफ एटीपी या NADH+ टेक्स प्लेस। तो बताओ एटीपी यूटिलाइज एट 2 स्टेप, कौन कौन से? पहला कौन सा है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, अगर फ्रक्टोज होता तो फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता। और दूसरा कौन सा है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate। ये क्वेश्चन ये हो गया, फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate को तोड़ दिया जाएगा और बनेगा क्या? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और क्या बनेगा? 3-phosphoglycerol डिहाइड PGAL। वी फाइंड दैट देयर इज 1 स्टेप, एक स्टेप है जहां NADH+ बनता है, कहां से? NADC। ये कौन सा स्टेप है? तो लिखा है 3-phosphoglycerol डिहाइड से क्या है? 1,3-biphosphoglyceric acid। 3-phosphoglyceraldehyde से 1,3-biphosphoglyceric acid, इसमें एक स्टेप बीच में खा गए हैं जिसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट लगता है, ठीक है? तो रेडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्या? हाइड्रोजन एटम, कहां से? PGAL, और किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? NAD+ को, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH2 में। PGAL को ऑक्सीडाइज विद इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये देखो यहां लिखा है, थ्योरी में लिखा हुआ इनऑर्गेनिक फास्फेट, टू गेट कन्वर्टेड इनटू क्या? बाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। कन्वर्जन ऑफ बाइफास्फोग्लिसरिक एसिड तो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें एनर्जी रिलीज होगी और इसको ट्रैप करके क्या बना लेंगे? एटीपी। एक और एटीपी बनेगी जब पीईपी को क्या बनाओगे? पाइरुविक एसिड। तो इनऑर्गेनिक फास्फेट बेटा कहां यूज हुआ? इनऑर्गेनिक फास्फेट कहां यूज हुआ है? PGAL को 1,3-biphosphoglyceric एसिड में कन्वर्ट किया गया है, तब एक इनऑर्गेनिक फास्फेट भी लगा हुआ है, ठीक है? 5 क्वेश्चन केवल यहां है, उन 2 स्टेप के नाम बताओ। पहले तो रटने वाले कि ये साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें 10 स्टेप होता है, ये एनारोबिक होता है, ये सभी लिविंग में होता है, एनारोबिक में केवल यही होता है, इसको एमपी पाथवे कहते हैं, सब तो रटने वाले हैं। फिर 2-3-4 कुछ क्वेश्चन और है, जैसे फास्फोराइलेशन कौन कराएगा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम कराएगा। फिर कितने स्टेप हैं? 10 स्टेप हैं। कौन कौन से स्टेप जहां एटीपी कंज्यूम हुआ? तो 2 बताओगे। कौन कौन से स्टेप जहां NADH+ निकला? 1 स्टेप। कौन सा है जहां एटीपी रिलीज हुआ? फिर 2 स्टेप। बस वो स्टेप याद होने चाहिए। कहां NAD+ निकला बेटा? H+ है भाई, ये लिखा है क्या? ट्राइयोज फास्फेट ग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरल डिहाइड से 1,3-biphosphoglyceric एसिड। तो ये हो गया NADH वाला। तो एक स्टेप ये क्वेश्चन, एक स्टेप ये क्वेश्चन, एक स्टेप आगे वाला क्वेश्चन। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज? तो सिंथेसाइज की अगर बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? सिंथेसाइज की बात किया है, इन दिस पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सिंथेसाइज तो 4 होंगे, लेकिन गेन क्या होगा? गेन तो 2 ही होगा। पाइरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज मेटाबॉलिक फेट ऑफ पाइरुविक एसिड? दिस डिपेंड ऑन सेलुलर नीड। पाइरुविक एसिड का क्या करोगे? तो पाइरुविक एसिड के 3 रास्ते लिखा है, 3 major ways in which different cell handle pyruvic acid। एक तरीका कौन सा है? या तो क्या कर लो? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर लो। दूसरा तरीका है क्या कर लो? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर लो। और तीसरा तरीका है क्या कर लो? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पाइरुविक एसिड का क्या करोगे? तो 3 विकल्प हैं।
या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और या तो एरोबिक रेस्पिरेशन। बस ये याद रखेंगे, फर्मेंटेशन तब होगा अंडर एनएरोबिक कंडीशन। किसमें होगा? बहुत सारे प्रोकैरियोट में और किसमें? यूकैरियोट। लेकिन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CO2 और वाटर निकलेगा, तो ऑर्गेनिज्म को क्या चलाना पड़ेगा? क्रेब साइकिल। और इसी को कहेंगे क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें किसकी आवश्यकता होगी? O2 की सप्लाई होगी। ठीक है, तो पहले फर्मेंटेशन है, फिर क्रेब साइकिल और ETS दिया हुआ है। फर्मेंटेशन पहले डायग्राम देख लो जरा, इसमें कुछ नहीं है। देखो ग्लूकोज लिखा हुआ है, और ग्लूकोज से ये सीधे क्या बना? पाइरुविक एसिड बना। ठीक है, तो ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड कैसे बना वो आपको अलग से पता है। इसमें एक जगह NAD से क्या बन गया था? NADH2 बन गया था। अब आगे देखो क्या हुआ। पाइरुविक एसिड से हो सकता क्या बन जाए? लैक्टिक एसिड, और उसमें ये NADH2 कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि पाइरुविक एसिड से क्या बन जाए? इथेनॉल, और साथ में क्या मिले? CO2 मिले। अंतर जरा देखिए, पाइरुविक एसिड में कार्बन होते हैं 3, और लैक्टिक एसिड में भी कार्बन होते हैं 3, लेकिन इथेनॉल में कार्बन होते हैं 2। तो एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन चला गया CO2। कहने का मतलब यह है कि पाइरुविक एसिड से अगर इथेनॉल बनाओगे तो फिर दो स्टेप में काम करने पड़ेंगे। एक स्टेप में CO2 निकालना पड़ेगा, फिर इथेनॉल बनेगा, और यहाँ सिंगल स्टेप में होगा। इसी नाते इसमें एक एंजाइम लगेगा, और यहाँ कितने एंजाइम लगेंगे? 2। पाइरुविक एसिड से अगर लैक्टिक एसिड बनाना है तो एक एंजाइम लगेगा, लेकिन पाइरुविक एसिड से अगर इथेनॉल बनाना है तो 2 एंजाइम लगेंगे। क्यों? क्योंकि 2 स्टेप होने हैं, एक में CO2 निकालेंगे और दूसरे में सीधे क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। ठीक है, ये मोटा मोटा दिमाग में रखेंगे। ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 मिला होगा, वो NADH2 इसमें क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, और इसमें कोई ATP नहीं बनेगी। इन फर्मेंटेशन जैसा किसमें होता है? ईस्ट में। अंडरलाइन करो, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसका? ग्लूकोज का, अंडर द क्या? एनएरोबिक कंडीशन, बाय ए सेट ऑफ रिएक्शन, जहां पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट किया गया किसमें? CO2 और इथेनॉल। तो एंजाइम कौन सा लगेगा? तो एंजाइम के नाम पर पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, एक स्टेप, जिसमें CO2 निकलेगा उसका नाम पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, और अल्कोहल बनेगा तो नाम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। तो याद रखिएगा, पाइरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनाने में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितने एंजाइम लगते हैं? तो कहोगे 2। पहला एंजाइम पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, और दूसरा एंजाइम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। लेकिन इन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस क्या? लैक्टिक एसिड। कहां से? पाइरुविक एसिड। इस स्टेप को देख सकते हो फिगर में। एनिमल सेल में लाइक मसल्स में ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब ऑक्सीजन क्या हो जाता है? इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, तो पाइरुविक एसिड रिड्यूस हो जाएगा। पाइरुविक एसिड रिड्यूस हो जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड में। बाई क्या? तो आंसर देंगे लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वही NADH2 होगा, विच इज रीऑक्सीडाइज इनटू किसमें? वापस आ जाएगा NAD। तो अंतर जरा समझे, यहां एंजाइम बेटा कौन सा लगा? एंजाइम कौन सा लगा? लैक्टेट या लैक्टिक एसिड? क्या लिखा है? लैक्टिक एसिड बनाएंगे तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ केवल 3 क्वेश्चन हैं। पाइरुविक एसिड से अगर इथाइल अल्कोहल बनाना है तो कौन बनाएगा? ईस्ट बनाएगा, और कितने स्टेप? 2 स्टेप। एक स्टेप में एंजाइम पहला है डीकार्बोक्सिलेज, और दूसरा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और रिजल्ट में इथाइल अल्कोहल और CO2 मिलेगा। लेकिन अगर लैक्टिक एसिड बनेगा तो एक ही स्टेप में होगा, और ये रिडक्शन होगा, और एंजाइम कौन सा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें CO2 नहीं निकलेगा, बस ये याद रखिएगा। इन बोथ, चाहे लैक्टिक एसिड हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, नॉट मच एनर्जी रिलीज, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ये पिछले साल नीट में आया है, कितनी होती है?
लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन द ग्लूकोज इज रिलीज। क्वेश्चन पूछा गया है फर्मेंटेशन में, यहाँ नीट लिख लीजिए, पूछा गया सवाल है नीट में, कितनी एनर्जी रिलीज होती है? लेस देन 7%। नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप एट हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी, यानी कोई एटीपी नहीं बनेगा। द प्रोसेस इज हैजार्डियस, ये नुकसान करती है, आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस। व्हाट इज नेट एटीपी? नेट एटीपी सिंथेसाइज व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो नेट एटीपी अभी भी आंसर कितना रहेगा? दो ही रहेगा, वही ग्लाइकोलिसिस वाला है। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कितने परसेंट हो जाती है? कितने परसेंट? 13%। फिर भी इसका आंसर, क्वेश्चन पूछा अल्कोहलिक बेवरेज में फर्मेंटेशन में कितना होता है, तो ये 13% से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन हो जाती है। ईस्ट के डेथ के बाद भी क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाती है। इस नाते अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अल्कोहलिक बेवरेजेज जो नेचुरली फर्मेंटेड होते हैं उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है, तो मोर देन 13% होगा, 13% से ज्यादा होगा। व्हाट इज द पर्पज, व्हाट इज द प्रोसेस बाई विच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन? तो जरा आराम से सुनो, पायरुविक एसिड का रिडक्शन कर दिया तो लैक्टिक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड का पार्शियल ऑक्सीडेशन कर तो इथाइल अल्कोहल बन गया, पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तीन आपके पास चेन है, पायरुविक एसिड का रिडक्शन, पायरुविक एसिड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो अगर रिडक्शन कर दिया तो क्या बन गया, क्या बन गया? तो लैक्टिक एसिड बन गया। पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल और CO2। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना होगा तो CO2 और वाटर बनेगा। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होगा देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सट्रैक्ट द एनर्जी स्टोर टू सिंथेसाइज लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल नीडेड फॉर क्या सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन यूकैरियोट। दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकांड्रिया और इस स्टेप में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ऑक्सीजन। तो रिलीज क्या करेगा? CO2 और क्या वाटर और क्या एनर्जी। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। चलो आगे देखते हैं, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कुल तीन काम होने हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कुल तीन काम होने, कौन कौन से? तो एक होना है लिंक रिएक्शन, और एक होना है क्रेब साइकिल, और एक होना है ETS। तो पहले लिंक रिएक्शन देख लेते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन, और एंजाइम के नाम पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन माइटोकांड्रिया फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इसका नाम क्या है? पायरुवेट। इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा साइटोप्लाज्म से कहां? माइटोकांड्रिया। क्रूशियल इवेंट देखो क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेट का बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम और साथ में 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या CO2, और दूसरा जो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, रिमूव एज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उनको कहां भेजोगे? ऑक्सीजन को भेजोगे, और साथ ही में क्या बनेगी? एटीपी। तो दो मेन काम करने हैं, स्टेप वाइज रिमूवल कर लेना है सभी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन रिमूव किया, उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसको ऑक्सीजन को भेज देंगे, और साथ में क्या बन जाएगी? एटीपी बनेगी। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फर्स्ट प्रोसेस, मतलब ये की बात कर रहा है, टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकांड्रिया, जबकि जो ये प्रोसेस है सेकेंड प्रोसेस लोकेटेड ऑन द
इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया। पाइरुवेट जो बना कैसे था, ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ क्या, कार्बोहाइड्रेट इन द क्या, साइटोप्लाज्म या साइटोसाल, ये इंटर कर जाएगा किसमें, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स, और अंडरगोज क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, नाम नहीं बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाई ए रिएक्शन कैटलाइज बाई पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। रिएक्शन कैटलाइज बाई पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, इसमें चाहिए सेवरल कोएंजाइम, कौन सा, एक कोएंजाइम चाहिए एनएडी और एक चाहिए कोएंजाइम ए, तो दो कोएंजाइम लग गए बेटा, कौन कौन से कोएंजाइम लगे, तो एक एनएडी लगा और एक कोएंजाइम ए लगा, तो जो एनएडी लगा है वो एनएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाएगा और कोएंजाइम ए इधर के साथ जुड़ गया है। यहाँ कार्बन देखो, पाइरुविक एसिड में पाए जाते हैं 3 कार्बन और एस्टाइल कोएंजाइम में होते हैं 2 कार्बन, क्योंकि एक CO2 यहां पर क्या हो गया, रिलीज हो गया है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दो मॉलिक्यूल, क्योंकि दो पाइरुविक एसिड होंगे तो दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, क्योंकि एक ग्लूकोज से दो पाइरुविक एसिड होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर करेगा किसमें, साइक्लिक पाथवे, और उस साइक्लिक पाथवे का नाम TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको सामान्यतया कहते क्या है, क्रेब साइकिल, क्योंकि डिस्कवर किसने किया है, हैंस क्रेब। साइकिल यहाँ डिटेल में नहीं दी है, लेकिन फिर भी जितनी दी है उससे आपका लगभग लगभग काम चल जाएगा। देखो क्या दिया है, जरा देख लेते हैं। काम की बात यह है कि पाइरुविक एसिड के पास कितने कार्बन, 3 कार्बन, और इसके पास कितने कार्बन, 2 कार्बन, एक कहां गया, तो ये देखो CO2 निकल गया, तो एक कार्बन इधर निकल गया। इसमें देखो लगा क्या, एक कोएंजाइम एनएडी लगा, एक कोएंजाइम ए लगा, और हमको क्या मिल गया, एनएडीएच2 मिल गया। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास 2 कार्बन हैं, तो हमारे पास 2 CO2 निकलने हैं, तो इस पूरे साइकिल में हमको 2 CO2 मिलने वाले हैं। देखो क्या होता है, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए और 4 कार्बन का ऑक्सलोएस्टेरिक एसिड जब कंबाइन करेगा तो 6 कार्बन क्या क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड से एक स्टेप करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन और एक स्टेप करेंगे डीहाइड्रोजिनेशन। देखो इस नाते हैं, देखो सीधी लाइन नहीं खींची है, यहाँ लाइन डॉटेड खींची हुई है, डॉटेड इस नाते खींची कि सारे स्टेप लिखे नहीं है, सारे स्टेप नहीं लिखे हैं, तो एक CO2 निकाल दिया, एक डिहाइड्रोजिनेशन, तो क्या बन गया, अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड, क्योंकि एक CO2 निकल गया तो कितने कार्बन बचे, 5 कार्बन बचे, फिर एक डीकार्बोक्सिलेशन कर लिए, एक डिहाइड्रोजिनेशन कर लिए, और साथ में सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कर लिए, तो अगर 3 स्टेप किए तो भी देखो डॉटेड लाइन लिखी हुई है, एक CO2 निकल गया कितने कार्बन बचेंगे, 4 कार्बन बचेंगे, बन गया क्या, सक्सनिक एसिड, फिर एक बार डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, बस को एंजाइम बदलेंगे, FAD लगेंगे और बनेगा क्या, FADH2, और बनेगा मैलिक एसिड, फिर डिहाइड्रोजन करेंगे तो बनेगा ऑक्सलोएस्टेरिक एसिड। तो पूरी साइकिल अगर घुमाओ, पूरी साइकिल अगर देखे तो कहां 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 CO2 निकला, 2 स्टेप, पहला स्टेप सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लुटारिक एसिड, और दूसरा अल्फा कीटो ग्लुटारिक एसिड से सक्सनिक एसिड, बीच में स्टेप है, लिखे नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे कहां कहां है जहां NADH2 बना, तो देखो एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, 2 ही जगह निकला, एक स्टेप ये, 3, तो कहां कहां निकला, सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड, और अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड से सक्सनिक एसिड, और मैलिक एसिड से ऑक्सलोएस्टेरिक एसिड, तो कहां FADH2 निकला, तो सक्सनिक एसिड से मैलिक एसिड। वास्तव में देखो डॉटेड लिखा है, ये सक्सनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में निकलता है, सक्सनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में निकलता है, लेकिन चूंकि पूरे स्टेप लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं, जो लिखा उसको तो याद रखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सीधे जीडीपी से क्या बना रहे हैं, जीटीपी बना रहे हैं, और यहां एटीपी बन जाएगी, तो यहां एक स्टेप क्या होता है,
कितने स्टेप पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है? आंसर देंगे वन स्टेप। तो नंबर ऑफ स्टेप बता दो, कितने स्टेप है जहां डीकार्बोक्सिलेशन होगा? दो स्टेप। कितने स्टेप है जहां NADH2 निकलेगा? तीन स्टेप। कितने स्टेप है जहां FADH2 निकलेगा? एक स्टेप। कितने स्टेप है जहां सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगा? एक स्टेप। ठीक है, और स्टेप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आया जिस सच एग्जाम में आ सकता है। TCA साइकिल स्टार्ट, स्टार्ट मतलब पहला स्टेप, कब? जब एसिटाइल ग्रुप, जब एसिटाइल ग्रुप कंडेंसेट हो जाएगा किससे? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड और एंड वाटर टू यील्ड क्या? सिट्रिक एसिड। फिर से पढ़ लेते हैं। TCA साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप का मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटाइल ग्रुप है वो किसके साथ कंडेंस कर जाए? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, और किसके साथ? वाटर के साथ। तो क्या निकलेगा? सिट्रिक एसिड। इसी नाते इसका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है। रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम कौन सा? सिट्रेट सिंथेज। एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या निकल जाएगा? कोएंजाइम ए रिलीज। सिट्रेट को क्या करो? आइसोमराइज करो, तो क्या बनाओ? आइसो सिट्रेट। फॉलोड बाय, देखो लिखा है, दो सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहले क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और फिर क्या बनेगा? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। अब देखो यहाँ सक्सेनाइल कोएंजाइम ए लिखा है, यहाँ सीधे सक्सेनिक एसिड लिख दिया है। यहाँ देखो सीधे सक्सेनिक एसिड लिखा है, जबकि रिएक्शन में देखो लिखा हुआ है क्या? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। तो पूरी रिएक्शन मैंने आपको अलग से लिखवा रखी है, तो पूरी रिएक्शन पढ़ेंगे ज्यादा आसान रहेगा। कंप्लीट रिएक्शन दी होनी चाहिए थी। रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक साइकिल में सक्सेनाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज करो और क्या बनाओ? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। क्यों? क्योंकि साइकिल को कंटिन्यू करना है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड। अब ये देखो लिखा हुआ है, ये रट लेंगे, इंपॉर्टेंट है। सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड में एक मॉलिक्यूल GTP बनेगा। इसी को कहते क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्योंकि GTP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? GDP में, और साथ में क्या बन जाएगा? ATP। तो ATP कौन से स्टेप में बना? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड। आल्सो देयर आर थ्री पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD+ इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज क्या? NADH2। और एक पॉइंट है जहां FADH2 क्या रिड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस? FADH2। कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए वाया ट्राइफ्लिक एसिड रिक्वायर कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट ऑफ क्या? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, जो कि फर्स्ट मेंबर है। इन एडिशन इट आल्सो रिक्वायर रीजनरेशन ऑफ क्या? NAD भी बनाना पड़ेगा और FAD भी बनाना पड़ेगा फ्रॉम NADH एंड FADH2। समरी इक्वेशन यहां दी है, ये देखो पाइरुविक एसिड है, चार NAD क्यों लिख दिया बेटा? तीन NAD तो क्रेब साइकिल का और एक लिंक रिएक्शन वाला, तभी चार हो जाएंगे। तीन क्रेब साइकिल वाले, एक लिंक वाला, एक FADH2, दो वाटर मॉलिक्यूल, ATP मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएंगे? सीधे लिख दिया देखो, तीन CO2, चार NADH2, एक FADH2 और एक क्या? ATP। अब अगर यहाँ दो पाइरुविक एसिड कर दोगे, अगर यहाँ दो पारविक एसिड कर दोगे तो वहां सब संख्या डबल कर देना, 6 CO2 हो जाएगा, 8 NADH2 हो जाएंगे, 2 FADH2 हो जाएंगे और 2 ATP। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेब साइकिल से डायरेक्ट कितने ATP बनेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हिसाब से, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हिसाब से दो बनेंगे, जबकि एक पारविक एसिड के हिसाब से एक बनेगा। वी हैव टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोज has been broken down to release CO2 and 8 molecule। देखो लिख दिया सीधे क्या, जब ग्लूकोज तोड़ेगा तो कितने बनेंगे? 8 molecule of NADH2, 2 molecule of FADH2 और 2 molecule of क्या? ATP। You may wonder why we have been discussing respiration at all, क्या ना तो अभी तक O2 का कोई नाम आया है, ना ही उसका, और बहुत कम नंबर ऑफ ATP बने हैं, इसका मतलब रोल कुछ और है, और जो ये NADH2 बन रहा है, FADH2 बन रहा है, इसका क्या करोगे? तो समझने के लिए कि क्या ऑक्सीजन का रोल है, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
सिस्टम। इसका दूसरा नाम नहीं भूलोगे, क्या नाम है, क्या नाम है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और कल हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था फोटोफास्फोराइलेशन। तो दो अलग अलग फास्फोराइलेशन होते हैं, एक होता ऑक्सीडेटिव और एक होता है फोटोफास्फोराइलेशन। फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी। इनका मेन पर्पज है कि रिलीज करो और यूटिलाइज करो उस एनर्जी को जो स्टोर है किसमें, NADH2 में और किसमें, FADH2। दिस इज accomplished व्हेन दे आर, जब इन सबको क्या किया जाए, ऑक्सीडाइज किया, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड इलेक्ट्रॉन को कहाँ पास कर दिया जाए, ऑक्सीजन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या, वाटर। फिर से सुन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पर्पज क्या है, तो रिलीज करना है और यूटिलाइज करना है उस एनर्जी को जो कहाँ स्टोर है, NADH2 में, और कहाँ, FADH2 में। इसका मतलब इन लोगों को फिर से ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन को कहाँ पास किया जाएगा, ऑक्सीजन, फाइनली क्या बनेगा, वाटर। मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेज फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर को ही कहते क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड इट इज प्रेजेंट इन द कहां, कहां, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब देखो जो लिखा है उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम देखेंगे, डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अच्छी बात है, किस्मत अच्छी कि अभी तक डायग्राम से कोई सीधा सवाल आया नहीं है, फिर भी आप दिमाग में कुछ रख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्या हो रहा है, पहले तो आप ये रख लीजिएगा कि ये लिखा है कॉम्प्लेक्स वन, ये लिखा है कॉम्प्लेक्स टू। कॉम्प्लेक्स वन पर NAD को NADH2 में कन्वर्ट किया जाता है, और कॉम्प्लेक्स टू पर FAD को FADH2 को FAD में कन्वर्ट किया जाता है। देखो लिखा ना, यहाँ FAD बन गया है, तो कॉम्प्लेक्स वन पर NAD बनेगा और कॉम्प्लेक्स टू पर FAD बनेगा। मतलब NADH2 तोड़ के NAD बना लो और FADH2 तोड़ के FAD बना लो। एक क्वेश्चन, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको FMN को दोगे, फिर आयरन सल्फर को दोगे, और फिर यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी आयरन सल्फर को जाएगा। देखिए कैसे समझना है, कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन चला, कॉम्प्लेक्स टू से इलेक्ट्रॉन चला, वन और टू दोनों का इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थ्री में आना है, और कॉम्प्लेक्स थ्री में देखो ध्यान से, आयरन सल्फर से ये भी UQ को देगा, ये भी UQ को देंगे, ये भी UQH2 को देंगे, ये भी UQH2 को देंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा साइटोक्रोम बी को, फिर आयरन सल्फर को, फिर साइटोक्रोम C1 को। इसी नाते इसका नाम साइटोक्रोम बी C1 है, और C1 वाला किसको दे देगा, C को, C इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर, और 4 में किसको देगा, ये कॉपर A को देगा, फिर साइटोक्रोम A को देगा, फिर साइटोक्रोम A3 को देगा, फिर कॉपर B को देगा, और अंततः इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को, और जिससे क्या बनेगा, वाटर। तो सिस्टम आप अपने दिमाग में ऐसे रखेंगे, एक नंबर कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन चला, दो नंबर कॉम्प्लेक्स पे इलेक्ट्रॉन है, एक नंबर पर जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहाँ से निकला है, वो NADH2 से निकला है, और दो नंबर वाला FADH2 से निकला है, एक नंबर और दो नंबर वाला अंततः 3 नंबर में जाएगा, कौन लेके जाएगा, UQ और UQH2 से। एक नंबर वाला इलेक्ट्रॉन UQ और UQH2 से पार होकर के 3 में पहुंचेगा, दो वाला भी UQ और UQH2 से होते हुए 3 में पहुंचेगा, तीन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले किसको मिलेगा, साइटोक्रोम बी को मिलेगा, फिर C1 को मिलेगा, और वो किसको दे देगा, सी को दे देगा। सी कहां से कहां लेके जाएगा, 3 कॉम्प्लेक्स से 4 कॉम्प्लेक्स को लेकर के जाएगा, 4 कॉम्प्लेक्स में पहले कॉपर ए को मिलेगा, फिर साइटोक्रोम ए को मिलेगा, फिर साइटोक्रोम A3 को मिलेगा, फिर कॉपर बी को मिलेगा, और फिर ऑक्सीजन को मिल जाएगा, और तब फाइनली क्या बनेगा, वाटर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 3 से गया कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कौन कौन कैरियर है उनका सीक्वेंस, उनकी चेन याद रखिएगा, हो सकता है चेन आपसे पूछ ले, तो चेन देखो।
अगर कॉम्प्लेक्स वन से देखें तो पहले FMN को मिलेगा, फिर आयरन सल्फर को मिलेगा, फिर UQ को, फिर UQH2 को, और फिर अगर 2 से देखें तो FAD से आयरन सल्फर, फिर UQ, फिर UQH2। UQH2 ने अंततः किसको दे दिया? साइटोक्रोम B को। उसने किसको दिया? आयरन सल्फर को। उसने किसको दिया? साइटोक्रोम C1। C1 ने किसको दिया? C। और C लेके कहां चला गया? कॉम्प्लेक्स नंबर 4। एक और चीज, इस दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कराए जा रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर से मूव कर रहे थे तो प्रोटॉन भी पंप कर दिए गए। प्रोटॉन भी पंप कर दिए गए कहां से? तो कहोगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकांड्रिया से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकांड्रिया से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ये जो प्रोटॉन पंप किए जा रहे हैं, इस नाते इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन हाई हो जाएगा और ये वापस लौट के आएगा किसमें? मैट्रिक्स में। जब प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से वापस मैट्रिक्स में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से, और 5 में है क्या? F0 F1, तो यहाँ क्या बन जाएगी बेटा? ATP बन जाएगा। तो अगर दिमाग में पूरा फ्लो हम रखना चाहें तो बहुत सिंपल है, बस सब रटेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स 1 पर NAD, कॉम्प्लेक्स 2 पर FAD इलेक्ट्रॉन निकला, वो आयरन सल्फर से होते हुए UQ से UQH2 होते हुए अंततः कॉम्प्लेक्स 3 पहुंचा। 3 पर पहले किसको मिला? साइटोक्रोम B को मिला, फिर C1 को मिल गया। C1 ने C को दे दिया, C ने 4 को दे दिया, 4 में पहले कॉपर A को मिला, फिर साइटोक्रोम A को मिला, फिर A3 को मिला, फिर कॉपर B को मिला, अंततः ऑक्सीजन को मिल गया। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर के थ्रू हो रहा था, तब प्रोटॉन कहां से कहां पंप कर दिए गए? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकांड्रिया से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। और जब इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पहुंचेंगे तो वहां कंसंट्रेशन उनकी हाई हो जाएगी, तो हाई से लो अपने आप आएंगे। कहां से? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स। किस कॉम्प्लेक्स से आएंगे? कॉम्प्लेक्स 5, जिसका नाम F0 F1 है और वही ATP सिंथेज है। जब इससे पास होगा प्रोटॉन तो फिर क्या होगा? ATP की सिंथेसिस हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। सारे कॉम्प्लेक्स के नाम आप रट लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 1 वास्तव में सभी एंजाइम है। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम साइटोक्रोम। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी तो एंजाइम है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम F0 F1। अब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? कहां से? NAD से। इज प्रोड्यूस इन द माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको क्या कर दीजिए? ऑक्सीडाइज बाय एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज। यही क्या है? कॉम्प्लेक्स 1। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो किसको? UQ का मतलब UBQ-non लोकेटेड विद इन द क्या? इनर मेम्ब्रेन। UBQ-non आल्सो रिसीव क्या? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कहां? FADH2 से। वो जनरेट होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। रिड्यूस UBQ-non को क्या कहते हैं? UBQ-non कहते हैं। यहाँ UBQ-non लिखा, यहाँ भी UBQ-non लिखा है। QNON QNOL इज देन ऑक्सीडाइज, तो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? देखो हिंदी में ऐसे लिखा है, NAD ने और FAD ने दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन UBQ-non के दे दिए। UBQ-non नॉन ने क्या किया? UBQ-non बन गया। और उसके बाद जब ये ऑक्सीडाइज हुआ, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? साइटोक्रोम सी को दे देगा। किसके थ्रू? BC1। और BC1 क्या है? कॉम्प्लेक्स 3 है। साइटोक्रोम सी टिक कर लो बेटा, ये स्मॉल प्रोटीन है, आउटर सरफेस पर अटैच है किसकी? इनर मेम्ब्रेन। और यही बेटा क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये कोई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड
कॉम्प्लेक्स फोर। कॉम्प्लेक्स फोर की अगर हम बात करें तो इसका नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है। इसमें साइटोक्रोम ए पाया जाएगा और ए थ्री पाया जाएगा और साथ में दो कॉपर सेंटर होंगे। जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा एक कैरियर टू अनदर कैरियर वाया 1-2-4 किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो साथ में क्या बन जाएगी एटीपी सिंथेसिस, वो भी कहां कॉम्प्लेक्स 5। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम इनऑर्गेनिक फास्फेट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, या तो एनएडी एस2 या तो एफएडी एस2। तो देखो लिखा है अगर एक मॉलिक्यूल एनएडी एस2 है तो कितने निकलेंगे 3 एटीपी, जबकि अगर एक मॉलिक्यूल एफएडी एस2 है तो कितने एटीपी 2 एटीपी। ऑल्दो द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोल ऑफ ऑक्सीजन ये अंडरलाइन कर लो, रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, इट ड्राइव होल प्रोसेस बाय रिमूविंग, ये रिमूव करेगी क्या हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। ये टिक कर लो एज सच एग्जाम में आता है। ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, लेकिन अगर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो भी यही सही है। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों का एक ही आंसर है क्या ऑक्सीजन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जहां लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते थे वहां प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता था, ठीक है, लेकिन जब रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एनर्जी कहां से लाओगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और उसी से बनेगा क्या यही प्रोटॉन ग्रेडियंट। रीजन फॉर द प्रोसेस का नाम क्या हो गया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। हिंदी में ये फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनने के लिए जो प्रोटॉन ग्रेडियंट नेसेसरी था उस प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए एनर्जी कहां से लाते हो सनलाइट से लाते हो, लेकिन यहां पर एनर्जी कहां से लाते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से लाते हो, इसी नाते इसका नाम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस एक्सप्लेन बाय कहां केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अर्लियर चैप्टर, लेकिन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूटिलाइज इन सिंथेसाइज एटीपी विद हेल्प ऑफ क्या एटीपी सिंथेज। अब एटीपी सिंथेज के यहां कुछ क्वेश्चन है। दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक का नाम एफ नॉट होता है, एक का नाम एफ वन होता है। जो एफ वन है उसको कहते हैं हेड पीस कहते हैं, और यही पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और यही साइट है किसकी सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। एफ नॉट क्या है ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, देखो एफ नॉट इसके अंदर धंसा हुआ है ना, इंटीग्रल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है दैट फॉर्म क्या चैनल थ्रू व्हिच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू कैटलाइज द साइट ऑफ एफ1 कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ईच एटीपी प्रोड्यूस, ये बड़ी समस्या आ गई है, पहले 2H था अभी 4H इन्होंने कर दिया है, यहां देखो अभी भी 2H लिखा हुआ है। एक एटीपी बनने के लिए कितने H+ पास थ्रो एफ नॉट, तो आंसर क्या देना 4H देना, क्योंकि थ्योरी में अब क्या कर दिया है 4H कर दिया है, ठीक है। और कहां से कहां जाएंगे बेटा, तो कहोगे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से कहां जाएंगे मैट्रिक्स थ्रो मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में सिर्फ याद रखना है आपको कि कितने एटीपी कहां कहां से बने हैं, बस समझ लो जरा। तो बगल में हम लिखे दे रहे हैं, जरा आराम से बताएंगे। जब ग्लाइकोलिसिस किए थे तो ग्लाइकोलिसिस से कितनी नेट एटीपी हमको मिल गई थी 2 एटीपी मिल गई थी सीधे सीधे एक बात, लेकिन कितने NADH2 मिले थे 2 NADH2, और एक NADH2 से कितने ATP 3, तो 2 से 6, तो 6 ATP हमको और मिल गई ग्लाइकोलिसिस की मदद से। ये कौन सी थी NADH2 वाली। फिर लिंक रिएक्शन आया, लिंक रिएक्शन में एक लिंक रिएक्शन में एक NADH2 निकलता है, दो लिंक रिएक्शन में 2 NADH2, तो 2 NADH2 कितने ATP 6 ATP, तो लिंक रिएक्शन से भी हमको क्या मिल गई 6 ATP, और ये किसकी थी
NADH2, फिर हम क्रेब्स साइकिल में जाएंगे। अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल में एक एटीपी सीधे मिलती है, दो क्रेब्स साइकिल चलेंगी तो दो एटीपी तो सीधे मिल जाएंगे, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहेंगे। एक क्रेब्स साइकिल में तीन NADH2 निकलते हैं, एक क्रेब्स साइकिल में तीन NADH2, दो क्रेब्स साइकिल चलेंगे तो छह NADH2, और छह NADH2 से कितनी एटीपी, तो 18 एटीपी। ये किसकी है, NADH2। एक क्रेब्स साइकिल से एक NADH2 बनता है तो दूसरी क्रेब्स साइकिल से तो एक और NADH2 बनेगा, तो कितने NADH2 हो जाएंगे, दो, और एक NADH2 से दो एटीपी, तो दो NADH2 से चार एटीपी, तो हो गए कितने, चार एटीपी। ये किसके हैं, FADH2, जरा जोड़ो। कोई छूट गया क्या, जोड़ लो। अरे देखो भैया, 18, 2, 20, 22, 24, 36, 38 हो गए। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मिलते हैं, तो आप कहोगे 38 एटीपी मिलते हैं, और 38 एटीपी कहां 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 से मिलते हैं, वो हमने सब हिसाब आपको दे दिया है। जब हम ग्लाइकोलिसिस करेंगे तो हमको दो सीधे मिलेंगी, छह NADH2 वाली मिलेंगी। जब हम लिंक रिएक्शन करेंगे तो छह फिर हमको NADH2 वाली मिल जाएंगी। जब हम क्रेब्स साइकिल करेंगे तो दो तो सीधे मिल जाएंगी, 18 हमको NADH2 से मिल जाएंगे, और 4 हमको FADH2 से मिल जाएंगे। लेकिन ये NADH2 वाली और FADH2 वाली जो ATP हैं, ये हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद मिलेंगी। हमने लिख जरूर दिया है ग्लाइकोलिसिस के सामने, ये मतलब ना निकाल लीजिएगा कि ये ग्लाइकोलिसिस से 6 बन गई है। ग्लाइकोलिसिस उसका सोर्स है कि हम वहां से NADH2 मिला तो वहां से 6 ATP मिल गई। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर हो गए इस वक्त, बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर कि कितनी कितनी एटीपी कहां कहां से मिल गई। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है। इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बट रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली इन थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली व्हेन देयर इज सीक्वेंशियल सभी ऑर्डरली पाथवे हो। जो सबस्ट्रेट एक बने तो लिखा है सबस्ट्रेट फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट विद द ग्लाइकोलिसिस TCA एंड ETC पाथवे वन अनदर, मतलब कोई ब्रेक ना हो बीच में, कोई मॉलिक्यूल इधर उधर ना जाए, जितने NADH सिंथेसाइज हो किसमें, ग्लाइकोलिसिस में, वो भी ट्रांसफर कर दिए जाएं, वो भी ट्रांसफर कर दिए जाएं किसको, माइटोकांड्रिया अंडर द क्या, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। कोई भी इंटरमीडिएट पाथवे यूटिलाइज ना हो, ओनली ग्लूकोज ही क्या हो, रेस्पायर हो। ये सब शर्तें हैं, इन सब शर्तों का जब पालन करोगे तभी कितने एटीपी मिलेंगे, 38 मिलेंगे। बट काइंड ऑफ जंक्शन आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम, ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, ऐसा वास्तव में नहीं होता है। सबस्ट्रेट इंटर द पाथवे, कोई भी सबस्ट्रेट पाथवे में इंटर कर सकता है, और कोई भी सबस्ट्रेट पाथवे में इंटर कर सकता है, और कोई भी सबस्ट्रेट पाथवे से बाहर निकल सकता है। एंजाइमेटिक रेट्स कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मींस येट इट इज यूजफुल टू डू एक्सरसाइज एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम, फिर भी नेट गेन ऑफ एटीपी, ये अंडरलाइन कर लो। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम कहां से, वन ग्लूकोज, तो जो मैंने लिखा था उससे बिल्कुल क्लियर था। Let us compare fermentation and aerobic respiration. Fermentation account for only a partial breakdown of glucose, whereas anaerobic respiration is completely degrade to CO2. Aerobic respiration it is completely degrade to CO2 and water. Compare कर लो,
तो देखो फर्मेंटेशन में बेटा क्या होता है, तो फर्मेंटेशन में केवल पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जबकि एरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट होता है। फर्मेंटेशन में जो नेट गेन है वो कितना है, दो ही मॉलिक्यूल का है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में आओगे तो अभी देखा कितने मॉलिक्यूल मिले हैं, 38 मॉलिक्यूल। एनएडी ऑक्सीडाइज होकर के एनएडी प्लस स्लोली इन द फर्मेंटेशन, लेकिन बहुत विग्रस होता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जब यहाँ एरोबिक में इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो 3 एटीपी मिलती है, जबकि फर्मेंटेशन में जब ऑक्सीडाइज होता है तो कोई एटीपी नहीं मिलती है। एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे का डायग्राम देख लो जरा, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि सिस्टम ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से ही रेस्पिरेटरी पाथवे स्टार्ट करेंगे, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, डाइसिटोन फास्फेट, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, पाइरूविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्रेब्स साइकिल। तो ये सीधी चेन दी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन का इस्तेमाल करना हो, तो प्रोटीन का इस्तेमाल अगर रेस्पिरेशन में करोगे तो पहले तो अमीनो एसिड बनेगा, और अमीनो एसिड सीधे इंटर करेगा क्या, पाइरूविक एसिड बन के, तो अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर लोगे क्या बना के, पाइरूविक एसिड, और फिर चेन में पार्ट कर लोगे। इसी तरीके से अगर फैट को यूज करना चाहते हो तो फैटी एसिड बनाओगे, ग्लिसरॉल बनाओगे, ग्लिसरॉल की एंट्री कराओगे क्या, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बना करके, और फैटी एसिड की एंट्री कराओगे क्या बना करके, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों की मेटाबॉलिज्म में कौन सा कॉमन मॉलिक्यूल बन रहा है, तो कॉमन मॉलिक्यूल ये देखो दिख रहा है, कौन सा, एस्ट्राइल कोएंजाइम ए। ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, ऑल द कार्बोहाइड्रेट usually first converted into क्या, glucose before used in respiration, other substance भी क्या कर सकते हैं, respire कर सकते हैं, but they do not enter the respiratory pathway at first step। अगर फिगर देख लो, हम लोग देख ही चुके हैं, fat को तोड़ना पड़ेगा किसमें, glycerol और fatty acid, अगर fatty acid को respire करना चाहते हो तो पहले इसे तोड़ के क्या बना लो, acetyl coenzyme, फिर इंटर कर लो पाथवे में। ग्लिसरॉल को अगर यूज करना चाहते हो तो किसमें कन्वर्ट कर लो, पीजीएल में। प्रोटीन को अगर यूज करना चाहते हो तो पहले किसमें कन्वर्ट कर लो, अमीनो एसिड, और उसके बाद इसको पाथवे में इंटर कराना है तो क्या बना लो, पाइरेट, या क्या बना लो, एसिटाइल कोएंजाइम ए। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी प्रोसेस है ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड रेस्पिरेशन, सामान्यतया क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक पाथवे है, लेकिन बट दिस अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट, एट व्हिच पॉइंट द रेस्पिरेटरी पाथवे ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट इंटर इफ दे वर रिस्पायर्ड एंड यूज्ड टू डेराइव एनर्जी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज वेरी कंपाउंड दैट कुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे, ये इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल यहां से विड्रॉ किए जा सकते हैं, क्यों, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए, जैसे फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर इट एंटर्स द पाथवे, इसको यूज कर सकते हैं एज ए सबस्ट्रेट, व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए विड्रॉ कर जाएगा, कहां से, हेंस रेस्पिरेटरी पाथवे जो होगा, रेस्पिरेटरी पाथवे इनटू पिक्चर बोथ ड्यूरिंग क्या, ब्रेकडाउन में भी होगा और सिंथेसिस में भी होगा, इसका मतलब ब्रेकडाउन और सिंथेसिस अगर दोनों हैं रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट लिंक कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग डाउन द प्रोसेस विद इन द लिविंग आरएनए क्या कहते हो, कैटाबॉलिज्म, और सिंथेसिस को क्या कहते हो, एनाबॉलिज्म। तो चूंकि दोनों घटनाएं हो रही हैं, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, तो सबसे बेहतर है कि रेस्पिरेटरी पाथवे को क्या कहते हो, हिंदी में जो बात याद रखनी है कि सामान्यतया तो ये कैटाबॉलिज्म है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कोई मॉलिक्यूल यहां से विड्रॉ करके सिंथेसाइज भी कर सकते हो, तो अगर सिंथेसाइज करोगे तो एनाबॉलिज्म हो जाएगा, तोड़ोगे तो कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो मिला करके क्या कह दोगे, एम्फीबोलिक। तो एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा, एम्फीबोलिक, ये तीन क्वेश्चन हो जाएगा,
ग्लूकोज को किस स्टेप से इंटर करेंगे, पहले स्टेप से। फैट को कहाँ इंटर करोगे, तो फैट को इंटर करने के लिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग अलग बनाने पड़ेंगे। फैटी एसिड की अलग एंट्री है, ग्लिसरॉल की अलग एंट्री है। और प्रोटीन को कैसे इंटर करोगे, पहले अमीनो एसिड बनाओगे और फिर पाइरूविक एसिड बना करके इंटर करेंगे। आखिरी हेडिंग है रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस। पहले तो फार्मूला याद रख लीजिए, आर क्यू अगर निकालना है तो CO2 की वैल्यू ऊपर और O2 की वैल्यू नीचे रखना है। एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, एज यू नो ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन O2 क्या होती है कंज्यूम और CO2 क्या होती है रिलीज। रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व एंड O2 कंज्यूम, इसी को कहते क्या है आर क्यू। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर। क्यों, जब हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं तो ये पूरी तरीके से thank you.